ये वाला मुझे सबसे बड़ा पसंद आया है, इसकी हेयर स्टाइल देख लो कितनी अच्छी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। अब यहाँ भी देख रहे हो जापानीज़ घरों के बाहर ऐसे लोग कपड़े धो के सुखाते हैं। तो आप मेरे बालों की हालत देख रहे होंगे, काफ़ी ख़राब हो गई है। पिछले 2 से 3 साल में मैंने बालों को बिल्कुल कट वगैरह नहीं किया है। एक दो बार मैंने ट्रीटमेंट वगैरह करवाई थी बहुत पहले। आपने अगर मेरे स्पेन के वीडियो देखे होंगे, जापान के, मैंने 2 बार ट्रीटमेंट करवाई थी, जापानीज़ स्ट्रेटनिंग और एक नॉर्मल ट्रीटमेंट थी। उसके बाद मैंने बालों को बिल्कुल टच नहीं किया। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज कुछ बालों के साथ में खिलवाड़ करते हैं। तो मैंने सर्च किया केराटिन ट्रीटमेंट। तो जापान में केराटिन ट्रीटमेंट इतने फेमस नहीं है, यहाँ पे होता है जापानीज़ स्ट्रेटनिंग। ये बड़ी तारे है जैप सलून में, और देखते हैं कि बिफ़ोर और आफ्टर। देख रहे हो बिफ़ोर के बाल आप मेरे देख रहे हो कितने अजीब लग रहे हैं, आफ्टर का शायद पता चलेगा किस तरीके से होता है। तो चलिए जाते हैं। तो जो सलून है वो मेरे घर से थोड़ा दूर है, आधा घंटा लगने वाला है। तो अब कि जापान में हर रेलवे स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म के ऊपर एक छोटा सा स्टोर होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इसका नाम है न्यू डेज। तो ऐसे छोटा सा स्टोर होता है और यहाँ पर आपको जो भी खाने के सामान, पीने के सामान या डेली नीड्स के सामान होते हैं ना, वो आपको यहाँ पर सारे के सारे मिल जाएंगे। तो ये बड़ा कन्वीनियंट होता है जापान में, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आप रेलवे स्टेशन पर आपको कुछ अर्जेंटली कुछ बाय करना है तो आप इसे छोटे से स्टोर में जाके खरीद सकते हो। हमें डायरेक्ट ट्रेन तो मिली नहीं है, हमें यहाँ से फिर से एक लाइन चेंज करनी पड़ेगी। म्यूज़िक बज रहा है यहाँ पे, होता है कि जब भी ट्रेन छूटती है ना तो एक प्यारी सी म्यूज़िक बजती है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग टाइप की म्यूज़िक यहाँ पर बजती है। यहाँ से फिर से लाइन चेंज करना है प्लेटफॉर्म 2 पर, या मन होते लाइन ग्रीन लाइन लेना है। जापान के ट्रेन की एक खासियत आपको बताओगी कि यहाँ पे ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती है। अगर ट्रेन का टाइम है 11:02 तो बराबर 2 मिनट पे ट्रेन वो प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी, ना पहले ना बाद में। अगर वो ट्रेन लेट हो रही है ना तो जो यहाँ के जो ट्रेन सर्विस होती है वो उनको एक कूपन देती है जिसमें लिखा होता है कि ट्रेन के वजह से आपको लेट हुआ है, तो वो आप टिकट यूज़ कर सकते हो आपके ऑफिस में देने के लिए। अगर ये कल मैंने जापानीज मिंट खरीदा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये वाला। हमारी ट्रेन आ रही है अभी। तो ये आंटी ने जापानीज स्टाइल कोई किमोनो पहना हुआ है, आई थिंक ये कोई फंक्शन में जा रही है अभी। तो ये जापान का ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि आप यहाँ पे लोग जगह जगह आपको पहने हुए दिखेंगे। के सबसे हैपनिंग सिटी में है शिबुया सिटी में, और स्टेशन का नाम है हाराजुकू स्टेशन। मेरा 11:30 का अपॉइंटमेंट था और ऑलरेडी 11:30 हो गया है, अभी लेट हो गया मैं। ऐसा ना हो कि अपॉइंटमेंट कैंसिल ही कर दिया मेरा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है ना कि सलून में जाने से पहले आपको कॉल करना होता है और आपको एक फिक्स टाइम लेना होता है। अगर वो फिक्स टाइम में अगर आप नहीं पहुँच रहे हो ना तो वो दूसरे किसी को जो नेक्स्ट नंबर होता है उसको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। थोड़ा दौड़ना पड़ेगा अभी। फाइनली हम पहुँच गए, इस स्टोर का नाम है सिन देन।
want straight hair. I want the curly hair, but just smooth and easy to manage. Because now my hair is not easy to manage. Right. Very difficult. Yeah. Actually, I was searching keratin treatment in Japan, in Tokyo, but only few saloon provides. In Japan, not so, Not famous. Yeah. Only Japanese straightening is famous, right? Yeah, and then some, you know, like new treatment. Okay. But it's a little different. Okay. And I know it's, you know, I used to work in New York City before, and I use like this treatment. Yeah. So it's very nice actually. Okay, first step on the shampoo. Okay. What is it? Maybe around shoulder length. Shoulder, like here. Yeah. Oh. तो अभी हेयर वॉश हो गया है और इन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट अभी लगाया है बालों में. आधा घंटा इन्होंने अभी वेट करने का बोला है. आधे घंटे के बाद में फिर वो चेक करेंगे और उसके बाद में फिर इसका जो अगला प्रोसेस है वो करने वाले हैं. तो अभी मैं देख रहा हूँ आधा घंटा अभी करना क्या है. तो इन्होंने कॉफ़ी भी ला के दी है, पीते गरम गरम कॉफ़ी. तो दोस्तों हमारा केराटिन ट्रीटमेंट हो गया है और आप मेरे बाल देख रहे हो एकदम स्ट्रेट हो गए काफ़ी. तो उस बंदे ने मुझे बोला है कि बालों को टाई नहीं करना है, मुझे खुले बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं. यहाँ पर आप ये देख लो, ये बंदे के पास में 10-15 ज़्यादा, आई थिंक उससे भी ज़्यादा कुत्ते हैं. वाओ. How many dogs these are? How many dogs? 16. 16. Wow. Cute. जापान में कुत्ते बहुत ही महंगे मिलते हैं, उनका मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है. जैसे हमारा बच्चों का मेंटेनेंस होता है ना यहाँ पे, वैसे ही कुत्तों का मेंटेनेंस होता है. उनका बड़ा खाने पीने का केयर लेना पड़ता है. तो अभी हम एंटर कर रहे हैं ताकेशिता स्ट्रीट पे. ये काफ़ी बड़ा मार्केट है यहाँ पर और रात में तो ये काफ़ी एक्टिव हो जाता है. तो जैसे जैसे अभी हवा चल रही है वैसे वैसे मेरे बाल भी झूल रहे हैं क्योंकि अभी काफ़ी स्ट्रेट हो गए. तो अगर अभी हम बात करें टाइम की तो मुझे इस ट्रीटमेंट को लगे पूरे 3 से 4 घंटे. और अगर हम इसके पैसे की बात करें कितना मुझे खर्चा आया इसके अंदर, तो आपको बता दूँ कि जापान में जो हेयर कट होता है, जो भी कटिंग होता है या फिर ट्रीटमेंट होता है, बहुत महंगा है. तो अगर आपको हेयर कट भी करवाना है तो यहाँ पे अगर नॉर्मल से नॉर्मल अगर सस्ता वाला भी आपको हेयर कट करवाना है तो वो मिनिमम लोकल स्टोर में आपको देने पड़ेंगे अराउंड 1,500 येन, यानी समझ लो 700 रुपये. वो हो गए सबसे मिनिमम बेसिक कट हो गए. जैसे हमारे जो स्ट्रीट पर जो कटिंग करते हैं 50 या 100 रुपये दे के, वैसा वाला कट यहाँ पर होगा. और अगर आपको
अच्छा वाला कट करवाना है तो वो होगा 4,000 से लेके 10,000 तक, 10,000 ये यानी वो करीब हो गए हमारे 2,500 से लेके 5,000 तक, ये वाले कट के रेट यहाँ पर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जापान में केराटिन ट्रीटमेंट इतना फेमस नहीं है, तो यहाँ पे बस 3 या 4 ही ऐसे सलून हैं जो कि केराटिन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जिस जगह पे मैं आज गया था उन्होंने मुझे चार्ज किया है 50,000 येन, तो आप इंडियन रुपीज़ में देख सकते हो कि मैंने करीब करीब 20,000 से 25,000 रुपये इस केराटिन ट्रीटमेंट के दिए हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ पर आप देख लो ये जैपनीज स्टाइल आइसक्रीम, और यहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े इसको खाने के लिए। तो यहाँ पे क्वालिटी बहुत सही होती है। जिस बंदे ने मेरा केराटिन ट्रीटमेंट किया है ना, वो बंदा 2 साल कनाडा में रहा है, उसके बाद बैंक, उसके बाद वो न्यूयॉर्क में गया है, काफ़ी साल तक वो इटली में भी रहा है, और उसने वहाँ पर जो हेयर ड्रेसिंग का टीचिंग होता है वो उसने वहाँ पर किया है, और उसका स्टडी भी उसने वहाँ पर किया हुआ है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ रही है। 10 से 15 साल का उसको एक्सपीरियंस है। तो आज मैंने एक प्रोफेशनल बंदे से मेरा जो है ट्रीटमेंट करवाया, तो आई थिंक वर्थ है इतने पैसे पे करना। और मैंने आपको बताया था कि जापान के रेलवे स्टेशन पे सुपरमार्केट होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही यहाँ पर सोबा यानी जो रामेन होता है, नूडल्स होते हैं जापानीज नूडल्स, उसके भी स्टोर होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये प्लेटफॉर्म है, वहाँ से ट्रेनें जा रही है सारी आप देख रहे हो, और एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर यह है सोबा का शॉप, जापानीज रामेन यहाँ पर लिखा है, सॉरी सोबा नहीं उदोन, सोबा और उदन दोनों है। और यहाँ पर ये मशीन लगी हुई है, मशीन में सारे मेनू हैं आप देख रहे हो, सारे मेनू हैं, टच स्क्रीन मशीन है, आपको बस टच करना है, प्राइस भी उस पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप एक तो पैसे पे करो, यहाँ से कॉइन डालो, यहाँ से नोट डालो, और यहाँ से आप अपना कार्ड भी टच कर सकते हो, अगर आपके पास कैश नहीं है आप कार्ड से भी टच कर सकते हो। यहाँ से कूपन आएगा तो वो आपको इस खिड़की से अंदर देना है, इस खिड़की से नहीं, यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं, आई थिंक यहाँ से आप अंदर जाके उनको टिकट दे सकते हो और ये खा सकते हो। देख रहे हो आप मेनू यहाँ पर जापानीज नूडल्स के। जो हमारा पीसीओ बॉक्स होता है वो इंडिया में आउटडेटेड हो चुका है अभी, बट जापान में देखो आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर ऐसे पीसीओ बॉक्स रखे हुए हैं जिससे कि आप 10 सेन का या फिर 100 येन का कॉइन डाल के आप बात कर सकते हो। तो फाइनली भी हम घर पे आ गए, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरा जो बिफोर केराटिन के जो मेरे बाल थे और आफ्टर जो केराटिन के मेरे जो बाल है उसमें क्या डिफरेंस है, आपको क्या अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, मुझे आपकी राय कमेंट करके बताओ। और मुझे आपको एक चीज़ और बताना है कि अगर आपको बालों को ग्रो करना है तो ऑफकोर्स आपको डाइट अच्छा रखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा, उसके साथ में आपको विटामिन्स भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो हमारा जो इंडियन डाइट होता है ना उसमें ज़्यादा विटामिन्स वगैरह नहीं होते हैं, तो अगर आपको हेयर थिनिंग का, हेयर लॉस का अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैं आपको 2-3 सप्लीमेंट बताता हूँ बेसिक, जो कि मैं काफ़ी सालों से ले रहा हूँ। जैसे कि ये है मेरे पास मल्टी विटामिन, इसमें आप देख रहे हो जापानीज में लिखा हुआ है, आप ये कोई भी ब्रांड का मल्टी विटामिन ये ले सकते हो। दूसरा मेरे पास है विटामिन ई, ये भी आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, ये बालों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है विटामिन ई। तीसरा मेरे पास है विटामिन डी, ये भी बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये भी आप आपके डाइट में ऐड करो डी। और लास्ट मेरे पास है विटामिन B12, तो जो हमारा विटामिन बी होता है उसका ये एक टाइप है, दूसरा एक होता है बायोटिन, वो भी एक विटामिन बी ही होता है। तो अगर आपके पास बायोटिन है तो वो आप लो, अगर आपके पास बायोटिन नहीं है तो आप विटामिन B12 लो, ये आपके बालों को जो थिकनेस होता है और आपके बालों का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ाने के लिए हेल्प करता है।